हेलो गाइस, आज हम मखाने से मोदक बनाएंगे, तो आइए बनाते हैं मखाने से मोदक। मोदक बनाने के लिए ये हमने 150 ग्राम मखाने लिए हैं और 150 ग्राम हमने नारियल का बरूदा लिया है, 150-250 ग्राम हमने खांड ली है और 150 ग्राम हमने मिल्क पाउडर लिया है और ये एक कटोरी हमने देसी घी लिया है, तो आइए बनाते हैं। ये मैंने कढ़ाई को गैस पे रख दिया है। अब मैं इसमें से थोड़ा 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 करके घी डालूंगी। घी हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें मखाने डाल दूंगी। आधे मखाने डालूंगी मैं। और इन्हें मैं रोस्ट कर लूंगी मखानों को। और ये हमारे मखाने रोस्ट होने लगे हैं। ये हमारे मखाने रोस्ट हो चुके हैं, इन्हें मैं एक बर्तन में निकाल लूंगी। बाकी बचे हुए रोस्ट भी मखाने इसी प्रकार से रोस्ट कर लूंगी मैं। ये हमारे मखाने अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, अभी मैं इस प्लेट में निकाल लूंगी। अब इन मखानों को मैं मिक्सी जार में पीस लूंगी। जो मखाने मेरे गर्म हैं उन्हें मैं एक साइड में रहने दूंगी और जो ठंडे हैं उन्हें सबसे पहले पीस लूंगी मैं। हमारे गर्म हैं, जब तक मैं इनको पीसूंगी तब तक ये मखाने हमारे ठंडे हो जाएंगे। और ये हमारे मखाने पीसकर तैयार हो चुके हैं, इन्हें मैं इस बाउल के अंदर निकाल लूंगी और बाकी बचे हुए मखाने भी मैं मिक्सी के जार में पीस लूंगी। और ये मखाने भी हमारे पीसकर तैयार हो चुके हैं, इन्हें मैं एक साइड में रख दूंगी। और ये मैंने एक कप दूध लिया है, एक कप दूध को मैं कढ़ाई के अंदर डाल दूंगी। मैं इसमें ये मिल्क पाउडर डालूंगी और इसे मिक्स कर लूंगी मैं अच्छे से। और साथ ही मैं ये मखाने का पाउडर डाल दूंगी इसमें। अब मैंने जो ये 2 चम्मच घी बचा रखा है ये घी भी इसी में डाल दूंगी। साथ ही इसमें मैं ये नारियल का बुरूदा भी डाल दूंगी, मिक्स कर लूंगी। और ये हमारा डो अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। और अब मैं इसके अंदर ये खांड मिक्स करूंगी, मैंने इसे गरम में ही मिक्स करना है खांड को। और इसमें हमारी खांड अच्छे से मिक्स हो चुकी है और अब मैं इस पेस्ट को थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी।
और ये हमारा डो ठंडा हो चुका है। अब हम इसके मोदक तैयार करेंगे बना के। कढ़ाई को मैंने गैस से नीचे उतार लिया है और ये मैंने मोदक का सांचा लिया है। अब मैं मोदक में इस प्रकार से भरूंगी इसको दबाकर। और ये हमारा मोदक बनकर तैयार हो चुका है। ये देखो कितने अच्छे से बनके तैयार हुआ है। इसे मैं प्लेट में निकालती जाऊंगी। इसी प्रकार से मैं अपने सारे मोदक बनाकर तैयार करूंगी। और ये हमारे मोदक बनकर तैयार हो चुके हैं। ये हमारे मोदक बनकर तैयार हो चुके हैं। मैं इन मोदक को दूसरी प्लेट में सर्व करूंगी। ये मैंने मोदक को एक प्लेट में सर्व कर दिया है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।